Hello students, today we will read about the refraction through lenses. ठीक है, अभी तक हमने रीड किया था कि किसी भी प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन कैसे होता है, ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन कैसे होता है, तो आज हम रीड करने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज. तो लेंस की डेफिनेशन क्या होगी? दैट ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मीडियम विच हैज एटलीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस. Means, अगर कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो उसका कम से कम एक सरफेस स्फेरिकल अगर होगा. मान लिया हमारे पास यही था, ठीक है, इसको अगर मैं ये बना लूं तो ये क्या बन जाएगा? लेंस बन जाएगा. उसके दोनों सरफेस भी क्या हो सकते हैं? स्फेरिकल हो सकता है, उसका एक सरफेस भी स्फेरिकल हो सकता है. लेकिन उसमें हमारी डेफिनेशन क्या लिखनी है कि द ऑप्टिकल मीडियम विच हैज एटलीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस इज नोन एज द लेंस. Lenses are of two types, concave lens and convex lens. One is concave lens. Concave lens will be like this and convex lens will be like this. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? Diverging lens भी बोलते हैं और concave भी बोलते हैं. इसको हम convex बोलते हैं और इसको converging बोलते हैं. एक चीज हम फिर से रिवाइज करने वाले हैं कि अगर ये कन्वर्जिंग है, ठीक है, अगर जो भी कंडीशंस हमारी वहां कॉनकेव मिरर के केस में हुआ करती थी ना, वो यहाँ कॉन्वेक्स लेंस के केस में होगी, और जो कॉन्वेक्स मिरर के केस में होती थी वो यहाँ कॉनकेव लेंस के केस में होगी. तो लेंसेज का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है. जो हमारा मिरर हुआ करता था वो एक साइड से पॉलिश था, लेकिन लेंसेज क्या है? रिफ्रैक्शन के केस में आते हैं. इसके दोनों ही सरफेस रिफ्रैक्टिंग मटेरियल के बने हुए होंगे, ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट मीडियम के बने हुए होंगे. या तो दोनों सरफेस स्फेरिकल हो सकते हैं, वन सरफेस स्फेरिकल हो सकते हैं. यहाँ 10th के सिलेबस में केवल तुम्हारा बाई कॉन्वेक्स लेंस या बाई कॉनकेव लेंस यूज होगा. प्लेनो कॉन्वेक्स और प्लेनो कॉनकेव लेंस हम यूज नहीं करेंगे. अब जो मैंने वर्ड बोला ये होता क्या है वो हम डिस्कस कर रहे हैं. ये होता है बाई कॉनकेव. बाई कॉनकेव क्यों बोलते हैं इसको? दोनों सरफेस कॉनकेव है ना, ये क्या हो जाएगा? बाई कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, अब आता है प्लेनो कॉनकेव. The lens, the concave lens, which have one surface, which have one plane surface, is known as the plano concave lens. And in the same condition, like D, जैसे D होता है ना letter, उसके according उसके जैसे ही होता है कि एक ऐसा convex lens जिसका एक surface plano और दूसरा convex हो, तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा plano convex. अभी इनके दो टाइप और होते हैं, कॉनकेवो कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्सो कॉनकेव. तो पहले कॉनकेवो कॉन्वेक्स बनाते हैं. कॉनकेवो कॉन्वेक्स हमारे पास हो जाएगा ये, जैसे कि मून होता है ना, मून के तरीके से क्या हो जाएगा? कॉनकेवो कॉन्वेक्स. मतलब इसका एक सरफेस क्या है? कॉनकेव है, और दूसरा सरफेस क्या है? कॉन्वेक्स है. दिस वन इज कॉनकेव सरफेस एंड दिस वन इज कॉन्वेक्स सरफेस, सो दैट इट इज नोन एज द प्लेन कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, इसको हम बोलेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स, इसको बोलेंगे कॉनकेवो कॉन्वेक्स. ठीक है, चीजें टिपिकल नहीं है, बहुत आसान है अगर तुम सीरियल वाइज और अच्छे से रीड करोगे तब. ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसको हमने नाम दिया प्लेनो कॉनकेव. अब एक और हो जाएगा ये, ठीक है, इसको कुछ इस तरीके से बना देंगे. तो ये हो जाएगा कॉनवेक्सो कॉनकेव. ठीक है, इसका एक सरफेस तो कॉनकेव ही था और दूसरा सरफेस क्या है? कॉनवेक्स है. तो इसलिए हम इस टाइप के लेंसेज को क्या बोलते हैं? कॉनवेक्सो कॉनकेव बोलते हैं. ठीक है, और इसको बोलेंगे कॉनकेवो कॉनवेक्स. वैसे तो हमारे सिलेबस में इतना पार्ट है ही नहीं, केवल जनरल नॉलेज के लिए मैंने बताया है. ठीक है, तो अब हम आगे रीड करेंगे कि लेंसेज का मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है, कैसे हम लेंसेज को बनाते हैं, एंड सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द लेंसेज विच विल बी मोर इम्पोर्टेंट. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस का मैन्युफैक्चर कैसे होता है. सबसे पहले चीज हम क्या, सॉलिड स्टेट लेंगे. ठीक है,
जो हमारा कॉनकेव मिरर हुआ करता था या कॉन्वेक्स मिरर हुआ करता था उसमें हम हॉलो स्फीयर लेते थे ना, यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो सॉलिड स्फीयर लेंगे, दोनों सॉलिड स्फीयर के स्लाइस कट करके उनको क्या एक तरह से एक दूसरे के ऊपर रख के हल्का सा मेल्ट करा देंगे, तो कंडीशन क्या होगी, वो एक दूसरे से स्टक कर जाएंगे। ठीक है, हम ग्लू लगा के ऐड क्यों नहीं करेंगे, ग्लू लगा के इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि ग्लू की लेयर रिफ्रैक्शन का काम नहीं कर पाएगी। या फिर हम क्या करेंगे, कोई भी नॉन मेटालिक दो स्फेयर लेंगे, उनकी दोनों की स्लाइस कट करेंगे, स्लाइस हमारी कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। होलो स्फेयर हमने लिए थे, इसका हमने ऊपर से छोटा सा पार्ट कट किया, ठीक है, और ग्लास को मेल्ट करा करके हमने इसके अंदर फिल कर दिया, तो जो ये शेप बनेगी, ठीक है, वो क्या बन जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस बन जाएगा। अब कंडीशन क्या होगी, इसके लेंस के आउटर कर्वेचर को कंप्लीट करने पर जो स्फेयर बनेगा, ठीक है, अब कुछ टेक्निकल टर्म्स में बता रहा हूं इसके लिए, तो टेक्निकल टर्म्स क्या क्या हो जाएंगे, जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, तो लेंस के पास दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। कैसे होंगे, पहली सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होगा C1 और सेकेंड सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होगा C2। ठीक है, कैसे, जब इनके आउट जो कर्वेचर्स हैं उनको जब हम कंप्लीट स्फेयर बनाते हैं, तो जो स्फेयर बनता है, ठीक है, जो स्फेयर बनता है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस लेंस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर का काम करेगा, उस स्फेयर की रेडियस इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर का काम करेगी। ठीक है, तो यहां पर R1 R2 दोनों सरफेसेस के लिए अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएंगी, अलग अलग सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएंगे, अलग अलग फोकल लेंथ हो जाएंगी F1 एंड F2, और अलग अलग प्रिंसिपल फोकस हो जाएंगे F1 एंड F2। तो ये सारी चीजें अभी मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर फ्रॉम व्हिच द लेंस इज मेड अप ऑफ। ठीक है, तो जिस स्फीयर से लेंस को बनाया जाता है उसी स्फेयर की जो जो सेंटर है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बाकी डेफिनेशन सेम है, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को जो लाइन ज्वाइन करती है उसे हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, PA शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स हो गई किससे रिलेटेड, लेंस से रिलेटेड। सेम कॉनकेव के लिए हम करेंगे, कॉनकेव का मैन्युफैक्चर कैसे होगा, कॉनकेव में हमने क्या किया, दो नॉन मतलब कोई भी हमने दो स्फीयर ले लिए, हमारे पास स्फीयर कुछ इस तरह से रहेंगे, ये पार्ट हमने कवर कर दिया, ऊपर से हमने इसमें कोई भी ग्लास मेल्ट करा करके इसमें फिल कर दिया, तो मान लिया वो यहाँ तक चला गया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, धीरे से जब इनको डिटैच किया तो क्या हुआ कि ये हमारे पास क्या बन गया, जो डॉटेड पार्ट नहीं है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉनकेव लेंस। सेम कंडीशन इसमें होगा कि जिस स्फेयर से इसको बनाया गया है उसका सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी। इसमें भी दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर, दोनों सरफेसेस के लिए दो फोकल लेंथ, ठीक है, दोनों फेसेस के लिए दो प्रिंसिपल फोकस, दोनों फेसेस के लिए, ठीक है, दो पोल कंडीशन हो जाएंगी। ठीक है, इसके लिए P1 हो जाएगा फर्स्ट सरफेस के लिए, ये क्या हो जाएगा P1, और ये क्या हो जाएगा P2। तो इस तरह से हमें लर्न रखना है। तो जो टेक्निकल टर्म्स हैं उसमें क्या क्या लिखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखना है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस लिखना है, द लाइन जॉइनिंग टू द सेंटर्स, ऑप्टिकल सेंटर्स ऑफ बोथ द फेसेस इज नोन एज द ऑप्टिकल प्रिंसिपल एक्सिस, इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस। और जो लेंस का मिडल पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं ओ, वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर। कोई भी हमारे पास लेंस दिया है इसका जो मिड पॉइंट होगा ये, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। ठीक है, द मिड पॉइंट ऑफ द लेंस इज नोन एज द ऑप्टिकल सेंटर। बाकी डेफिनेशन जैसे हम मिरर के केस में लिखते थे सब वही आ जाएंगी। तो अब आगे डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल फोकस या फोकल लेंथ के बारे में, ये थोड़ा सा टिपिकल है, तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। फॉर प्रिंसिपल फोकस देयर आर टू कंडीशंस। तो फर्स्ट कंडीशन में हम क्या करेंगे, इफ अ लाइट रे स्टार्टेड फ्रॉम फोकल पॉइंट एंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम एनी पॉइंट एंड आफ्टर रिफ्रेक्शन दे विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन दैट पॉइंट इज नोन एज द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस।
तो अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकंड प्रिंसिपल फोकस के बारे में। तो अगर कोई भी लाइट रेज किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और वो रिफ्रेक्शन के बाद क्या होती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। और यही अगर कॉनकेव के केस में होगा, इफ द लाइट रेज अपीयर्स टू बी मीट एट अ फोकल पॉइंट, मतलब ये एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, ये अपीयर्स टू बी मीट एट द फोकल पॉइंट कर रही है, तो कंडीशन क्या होगी, आफ्टर रिफ्रेक्शन दे विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इफ अ लाइट रे स्टार्टेड फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दैट पॉइंट इज नोन एज द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, बट इन द केस ऑफ कॉनकेव इफ द लाइट रेज अपीयर्स टू बी मीट एट द सिंगल पॉइंट एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन दैट वन विल बी फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। इन सेकंड प्रिंसिपल फोकस इफ द लाइट रेज आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्रेक्शन दे विल मीट एट अ सिंगल पॉइंट, आफ्टर रिफ्रेक्शन दे विल मीट एट अ सिंगल पॉइंट, इन दिस कंडीशन दैट पॉइंट विल बी सेकंड प्रिंसिपल फोकस, इन दैट कंडीशन दैट पॉइंट विल बी सेकंड प्रिंसिपल फोकस। कॉनकेव के केस में वही क्या हो जाएगा, इफ द लाइट रेज कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस then after refraction they will appears to be meet at a single point, then that point is known as the second principal focus in case of concave lens। तो सेकंड के लिए क्या है कि अगर लाइट रेज पैरेलल है और वो आफ्टर रिफ्रेक्शन किसी एक पॉइंट पर जाकर के मीट कर जाती है तो वो क्या होगा, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। कॉनकेव के केस में क्या होगा, अगर लाइट रेज पैरेलल है ठीक है और वो आफ्टर रिफ्रेक्शन किसी एक पॉइंट पर जाती हुई अपीयर्स होती है तो उसे हम क्या बोल देंगे, दैट विल बी द सेकंड प्रिंसिपल फोकस। कई बार बहुत रेयर केस में, वैसे फोकल पॉइंट की डेफिनेशन तो आती है, अगर सिंपल फोकल पॉइंट आता है तो कोई भी एक लिख दो चल जाएगा ठीक है, लेकिन अगर फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस बाय द वे किसी केस में अगर आ गया या सेकंड प्रिंसिपल फोकस आ गया तो उसके लिए हम ये वाली डेफिनेशन लिख करके आएंगे ठीक है, इतना हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आगे अब हम बात करते हैं रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन की, और वहीं पर मैं ड्रॉ करके बताऊंगा कि क्या क्या चीजें और क्या क्या टर्म्स लिखना इसमें जरूरी होता है और कैसे इमेज बनाएंगे और किस तरह से इमेज करेक्ट होगी और क्या क्या मिस्टेक हम कर सकते हैं और क्या क्या मतलब जनरली हो जाती है जो नहीं करनी होती है, तो वो आगे सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो मेन चीज इस चैप्टर में रे डायग्राम्स ही है, अगर रे डायग्राम्स नहीं आते हैं तो फिर मुश्किल हो जाएगा इस चैप्टर को समझना ठीक है, अगर रे डायग्राम बहुत अच्छे से समझ में आते हैं तो न्यूमेरिकल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं सम बेसिक टर्म्स व्हिच विल बी यूज्ड इन रे डायग्राम्स एंड रूल्स फॉर द रे डायग्राम। तो सबसे पहली चीज एबी, एबी क्या है, किसी भी लेंस का अपर्चर है, अगर मान लिया हम ये लेंस ले रहे हैं तो जितना ये इसका एरिया होगा, ये यहां से यहां तक का जो इसका एरिया है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, अपर्चर बोलेंगे, मतलब ये जो इसकी ये चीज है ठीक है, ये जो जितना पार्ट जिसमें लाइट रे जा सकती है वो क्या हो जाएगा, अपर्चर हो जाएगा ठीक है। मान लिया ये बोर्ड है, सपोज कर लो कि ये क्या था, एक लेंस था, तो जितने पार्ट पे लाइट इंसिडेंट होकर के दूसरी तरफ जा सकती है या जितने पार्ट में लाइट एंटर हो सकती है वो क्या हो जाएगा, अपर्चर हो जाएगा। और अपर्चर का फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर से कोई रिलेशन नहीं होता है, अपर्चर बढ़ाने पर फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस अपर्चर बढ़ाने पर इमेज की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, क्यों, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ लाइट रेज इससे पास होंगे उतनी ज्यादा क्लियर इमेज बनेगी ठीक है। पहली चीज लेंस बनाया एबी, एबी क्या है, लेंस का अपर्चर है, द पार्ट विच इज एक्सपोज टू लाइट, जितना पार्ट लाइट के लिए एक्सपोज है उसे हम क्या बोलेंगे, अपर्चर बोलेंगे। दूसरा पोल ठीक है, दूसरा प्रिंसिपल एक्सिस ठीक है, जो एक स्ट्रेट लाइन है जो लेंस को दो पार्ट में डिवाइड करती है ठीक है सिमेट्रिकली, वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। हमने क्या किया, ए से बी पॉइंट को जॉइन कर दिया, तो जो ये सेंटर पॉइंट हुआ इसको हमने ओ नाम दिया, दैट इज द ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल
सेंटर। ये सारी चीजें, सारी नोटेशंस हर रे डायग्राम में लिखना जरूरी होता है, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि अगर हम ये चीजें नोट नहीं करेंगे तो रे डायग्राम हमारा कट हो सकता है। ठीक है, क्या क्या चीजें जरूरी होती है वो भी आगे बताऊंगा। और इसमें ये हो जाएगा, मान लिया ये फर्स्ट सरफेस है तो ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा F2, ये हो जाएगा C2। अब जबकि F1 F2 दोनों इक्वल है, क्योंकि ये बाइकॉन्वेक्स जो लेंस होता है 98 to 99% सिमेट्रिकल होता है दोनों तरफ से, मतलब जितना इस सरफेस का कर्वेचर उतना ही इस सरफेस का कर्वेचर। तो ये भी एफ हो जाएगा, ये भी एफ हो जाएगा, ये भी सी हो जाएगा, ये भी सी हो जाएगा। ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने पॉइंट पर? सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2F पॉइंट भी बोल देता है, दैट इज अ डबल ऑफ फोकल लेंथ। जितनी भी डिस्टेंसेस मेजर करेंगे, अब यहाँ हम फोल से मेजर नहीं करेंगे, हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। ठीक है, जब लेंस की थिकनेस ही बहुत कम होती है तो हम मान लेते हैं कि P1 P2 बहुत ज्यादा स्मॉल है, P1O इज इक्वल टू P2O, ये क्या हो जाएगा? मान लिया अगर मैं इसको ये लिखूं, FP1 इज इक्वल हो जाएगा FO, FP1 इज इक्वल टू FO। क्यों? FP1 के कंपैरिजन में जो P1O है वो बहुत स्मॉल है, इसलिए हमने क्या किया, FP1 इज इक्वल टू FO हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम इसको कंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, पोल से यहाँ डिस्टेंसेस मेजर नहीं करना है, हम यहाँ किससे, ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंसेस मेजर करेंगे सारी की सारी। ठीक, तो इस तरीके से हमें डायग्राम बनाना है। तो अब रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन के लिए डिस्कस करते हैं। जैसे हमने कॉनकेव मिरर में पढ़ा था वैसे यहाँ भी हम पढ़ेंगे, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर में जैसे पढ़ा था वैसे हम यहाँ भी पढ़ने वाले हैं। तो एक चीज यहाँ और देख लेना कि कॉनकेव लेंस विल बी डाइवर्जिंग लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस विल बी कन्वर्जिंग लेंस। फर्स्ट रूल फॉर द इमेज फॉर्मेशन इज, इफ अ लाइट रे पासिस थ्रू अ लेंस विच इज पैरेलल, अ लाइट रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पासिस थ्रू द फोकल पॉइंट। मतलब अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंस पर फॉल होती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन किससे, फोकल पॉइंट से पास होगी। इफ और कॉनकेव के केस में, इफ अ लाइट रे व्हिच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल अपीयर्स टू बी पासेस थ्रू द फोकल पॉइंट, मतलब वो एक्चुअली मीट नहीं करेगी, वो अपीयर्स टू बी मीट एट द फोकल पॉइंट हो जाएगा कंडीशन। ठीक है, तो कॉनकेव के केस में कोई भी लाइट रे एक्चुअली मीट होती ही नहीं है, इसमें वर्चुअल इमेजेस बनेंगी, इसमें रियल और वर्चुअल दोनों इमेजेस बनेंगी। ठीक है, तो फर्स्ट रूल समझ में आ गया होगा। नाउ सेकंड रूल, सेकंड रूल इसका जस्ट रिवर्स है। अगर बस हम साइन चेंज कर दें, इफ अ लाइट रे, जो डायग्राम ही दूसरा बना लेते हैं, इफ अ लाइट रे पासिस थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई भी लाइट रे फोकल पॉइंट से पास होती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, कॉनकेव में क्या हो जाएगा, कॉनकेव में हो जाएगा, इफ अ लाइट रे अपीयर्स टू बी पासेस थ्रू द फोकल पॉइंट, ये फोकल पॉइंट था, यहां से अपीयर्स टू बी पासेस थ्रू हो रही थी, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो कंडीशन क्या है, पहले क्या जस्ट रिवर्स है फर्स्ट रूल का, कि इफ द लाइट रे पासेस थ्रू द फोकल पॉइंट देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इफ अ लाइट रे विल अपीयर्स टू पासेस थ्रू द फोकल पॉइंट देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पहली चीज, सभी रे डायग्राम्स में एरोस लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद सेकेंड थिंग, कि ऑप्टिकल सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करना जरूरी है, जो भी रिफ्रेक्शन हम दिखाएंगे वो इस ऑप्टिकल सेंटर पे जो हमने लाइन ड्रॉ की है इसके अलोंग दिखाएंगे। मान लिया कोई भी लाइट रे अगर किसी लेंस से पास हो रही है, मान लिया ये लाइट पास हो रही थी, तो अगर हमने यहां से रिफ्रेक्शन दिखा दिया या इसको यहां से रिफ्रेक्शन दिखा दिया, तो दोनों ही कंडीशन गलत हो जाएंगी। हमें क्या, इसके मिडल पॉइंट से रिफ्रेक्शन दिखाना पड़ेगा। वो कैसे, हमारे पास लेंस था, हमने क्या ऑप्टिकल सेंटर से लाइन पास कर दी, तो ये वाली लाइन से अब हम रिफ्रेक्शन दिखाएंगे। ठीक है, तो ये चीज का हमेशा ध्यान रखना है, अदरवाइज रे डायग्राम्स गलत हो जाएंगे और मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये सेकेंड रूल।
थर्ड रूल को एक्सप्लेन करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिफाइन कर रहा हूं। अगर कोई भी लाइट रे किसी स्फेरिकल लेंस पर फॉल होगी तो ये कैसे कंफर्म होगा कि वो लाइट रे टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी या अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। तो अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो कैसे पता चलेगा कि ये इस तरफ जा रहे, तो हमें रूल्स फॉर द रूल्स ऑफ रिफ्रेक्शन लगाने पड़ेंगे। तो इस सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, यहाँ होगा, फोकल लेंथ यहाँ हो जाएगी, तो इसके लिए हम नॉर्मल कहाँ से ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल ड्रॉ होती है जितने भी स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं। तो अब लाइट रे को जाना था सीधा, लेकिन लाइट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो गई, ठीक। अब जैसे ही वो दूसरे सरफेस पर फॉल होगी इसका मतलब वो डेंसर से रेयर में आएगी, ठीक है, वो क्या डेंसर से रेयर में आएगी। इस सरफेस के लिए नॉर्मल कहां से ड्रॉ होगा, इस सरफेस के लिए नॉर्मल ड्रॉ होगा यहां से, ठीक है। तो क्या होगा, लाइट रे को ये पाथ पर जाना था लेकिन वो क्या इस नॉर्मल की वजह से वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जानी चाहिए क्योंकि डेंसर से रेयर में आ रही है, तो वो क्या होगी कहीं यहां आकर के मिल जाएगी, मतलब वो कहां से प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाएगी। इसलिए दो बार रिफ्रैक्शन होता है, किसके केस में, कॉनकेव मिरर हो, कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, दोनों में डबल रिफ्रैक्शन होता है, पहले फर्स्ट सरफेस के थ्रू फिर सेकंड सरफेस के थ्रू। सेम कॉनकेव मिरर में भी हो जाएगा, तो कॉनकेव मिरर में एक बार देख लेते हैं क्योंकि इसमें तो टुवर्ड्स द नॉर्मल टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस के लिए लाइट रे। अब हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर की, ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है, ये हमने ऑप्टिकल सेंटर की लाइन ड्रॉ कर दी, कोई भी लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर यही होगा, ठीक है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइट रे रेयर से डेंसर में जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि लाइट रे को यहां जाना था लेकिन लाइट रे अपने पाथ से क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है, ठीक। उसके बाद फिर इस सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां से ड्रॉ होगा, इस सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब नॉर्मल, नॉर्मल कहां से ड्रा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब डेंसर से रेयर में आएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लाइट रे को ये जाना था, ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल वो ऊपर की तरफ बेंड हो जाएगी, यानी कि लाइट रे को जाना तो ये था, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, जब उसको पीछे ला करके मीट कराएंगे तो वो कहां से पास होगी, वो फोकल पॉइंट से पास होगी। इस तरीके से किसी भी लेंस में दो बार रिफ्रेक्शन होता है, पहले लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी एंड आफ्टर दैट द लाइट रे विल मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ठीक है। तो इतना समझ में आना चाहिए। अब हमें थर्ड रूल समझ में आएगा, तो जो थर्ड रूल है उसमें क्या है कि इफ द लाइट रे पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर देन द लाइट रे विल गो स्ट्रेट विदाउट एनी बेंडिंग, ठीक है। हमारे पास क्या लेंस है, ये फोकल पॉइंट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो बिना किसी डेविएशन के सीधी जा सकती है, क्यों, क्योंकि यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई भी लाइट रे पास हो रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ, जीरो। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होता है तो एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन भी जीरो होता है, मतलब अगर कोई भी लाइट रे नॉर्मली फॉल होती है तो उसमें कोई भी रिफ्रेक्शन नहीं होता है, लाइट रे डेविएट नहीं होती है। सेम किसके लिए हो जाएगा, सेम कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस के लिए हो जाएगा, ये फोकल पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइट रे पास हो रही है तो बिना किसी डेविएशन के सीधी निकल जाएगी, ठीक है। और यही कंडीशन फोर्थ रूल में, फोर्थ रूल क्या है, इफ अ लाइट रे पासिस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर देन इट विल गो स्ट्रेट विदाउट एनी बेंडिंग, ठीक है। सेम यहाँ ऑप्टिकल सेंटर, लाइट रे में कोई बेंडिंग नहीं आएगी अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है या अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है। तो हमारे पास यहाँ पर फोर रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन है, तो इन्हीं फोर रूल्स को हम यूज करके सारे के सारे इमेज फॉर्मेशंस बनाएंगे, ठीक है। तो यहां तक की चीजें क्लियर होनी चाहिए, अगर रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन क्लियर नहीं होंगे तो हम इमेजेस फॉर्म नहीं करा पाएंगे। तो सबसे पहले चीज हमारा टास्क यही है कि हम रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन क्लियर करें, तो बाकी की चीजें आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे।